नमस्कार, 10 बजे की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे कि गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठेले वाले से रंगदारी मांगने और उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी समेत लूट और मारपीट के आरोप में पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। साहिबाबाद इलाके का मामला है और आरोप है कि बीजेपी पार्षद सुधीर कुमार, जिसका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने ठेले वाले से हर महीने रंगदारी देने के लिए कहा था। जब विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। जब उसकी पत्नी उसके बचाव में आई तो उसके साथ अभद्रता की गई, जिसके खिलाफ ठेले वाले ने पुलिस को शिकायत दी थी। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। साहिबाबाद इलाके का पूरा मामला है। रंगदारी, छेड़खानी, मारपीट, लूट का आरोप है। ये तस्वीरें भी अब काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। पूरे मामले में बीजेपी पार्षद सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के प्रत्याशी और जेई में बहस हो गई है। देर रात बिजली चेकिंग करने गए थे जेई और जेई और रामनाथ सिकरवार के बीच में फोन पर काफी ज्यादा बहस हुई। कांग्रेस प्रत्याशी लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। हीरागढ़ के गांव नगला उदैया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और लखनऊ के चिनहट में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की फायरिंग में हिस्ट्री शीटर नितिन कुंडी के पैर में गोली लग गई है, जबकि उसका साथी शेखर कौशल अंधेरे का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस तलाश कर रही है। नितिन कुंडी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 दिन पहले इन्हीं बदमाशों ने कार सवार 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बिना नंबर के कार से भाग रहे 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और ये मुठभेड़ देवा रोड पर दयाल फार्म के अंदर हुई है। बदमाश के पास से बिना नंबर प्लेट की कार और पिस्टल बरामद कर लिया गया है। शाहजहांपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जलालाबाद इलाके का है। बीते 6 मई को अधिवक्ता मुकेश गुप्ता के भाई विशन गुप्ता को लाठी डंडे और लोहे के रॉड से पीटा गया था। उन पर फायर भी किया गया, लेकिन वो बच निकले थे। मामले में विशन की पत्नी सुनीता ने सूर्यांश गुप्ता और शिवम गुप्ता पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस एक आरोपी को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। ये मामले में दूसरी गिरफ्तारी है।